Hey guys, my name is Amrita. इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ आप वैक्स से अपनी आईब्रोज कैसे कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक एक वैक्स लेना है जो फेस वैक्स है. आप किसी भी नॉर्मल वैक्स से, रीका वैक्स से, चॉकलेट वैक्स से, मिल्क वैक्स से, ब्राज़ीलियन वैक्स से भी आप अपनी आईब्रोज घर पर ही कर सकती हैं. उसके लिए आपको एक वैक्स चाहिए होगा, वैक्स का डिब्बा चाहिए होगा जो आप गैस में भी गर्म कर सकती हैं. कोई भी पाउडर जो घर पे हो वो यूज़ कर सकती हैं और स्ट्रिप को इस तरह से कट करके आपको यूज़ करना है. और ये एक कॉटन चाहिए होगा आपको और एक सीज़र चाहिए होगा. और मैंने एक ये छोटे से बाउल में जो है कॉटन और पाउडर लिया है. और मैं जो वैक्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं रीका यूज़ कर रही हूँ. चलिए मैं फिर आपको करके दिखाती हूँ. जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरी आईब्रोज पे जो ग्रोथ है, कितनी ग्रोथ है. अब आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको पाउडर यूज़ करना है. फिंगर से ही पाउडर लगा लें आप इस तरह से दोनों साइड में, सेंटर में. और अगर ऊपर ज़रूरत है तो, मोस्टली मुझे ऊपर आईब्रोज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मेरी ग्रोथ बहुत कम है, तो नीचे और सेंटर में ही मुझे अपनी आईब्रोज करना पड़ता है, अपनी आईब्रोज क्लीन करनी पड़ती है. आईब्रोज के लिए मैं जो स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ ये प्लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप बॉडी के लिए यूज़ ना करें क्योंकि आईब्रोज के लिए जो है, जब हम स्पैचुला, क्योंकि आईब्रोज के लिए हमें वैक्स ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. इस तरह से मैंने इतना सा वैक्स लिया है स्पैचुला में और अब अपने आईब्रोज को मैं स्ट्रेच करूँगी एक हैंड से, फिर इसको लगाऊँगी. आने के बाद वो जो मैंने आपको स्ट्रिप्स दिखाई थी उसको ऐसे प्रेस करते हुए पुल करना है. ये देखिए क्लीन हो गया और इसमें भी, स्ट्रिप्स में भी. ये देखिए स्ट्रिप्स में आपको हेयर ग्रोथ दिखाई दे रही होगी. अब मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी वैक्स. अब यहाँ पे ग्रोथ लग रही है. देखिए आईब्रोज क्लीन हो गई, इसमें ग्रोथ है. और ये देखिए इजी है वैक्स करना. अब ऐसे ही मैं सेम दूसरी साइड लगा रही हूँ. इस तरह से स्ट्रेच कर ले, फिर इसको पुल कर ले. जो साइड यूज़ किया उसको फोल्ड कर ले इस तरह से. इस तरह से सेंटर में भी लगाना है. अब मैं थोड़ी सी आईब्रोज की कटिंग करूंगी. अब मैं ये आईब्रोज कर चुकी हूँ वैक्स से. इसके बाद मैं ये कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ अपने आईब्रोज पे.
आपने देखा कितना इजी है आईब्रोज करना। मैंने कोकोनट ऑयल इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि जब भी हम रीका वैक्स यूज़ करते हैं, इसे ऑयल वैक्स बोलते हैं, ये वाटर से जो है क्लीन नहीं होता है। वैसे तो रीका वैक्स के साथ इसका प्री लोशन और आफ्टर लोशन आता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल, वो लगाना होता है। उसी से जो कहीं पे थोड़ा बहुत अगर लगा रह जाए आपका वैक्स, उसी से रिमूव होता है। उसके बाद आप कॉटन से जो ऑयल है, कॉटन से हल्का सा क्लीन कर ले। इस तरह से, और ये 5 मिनट में आपकी आईब्रोज कंप्लीट हो गई, आपकी आईब्रोज बन गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।